आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया, मैंने दी थी और अब नहीं देता कर ले क्या करेगा, चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी पेट्रोल दर वृद्धि को नहीं सांबादिकों प्रश्न में नियाबाण हो गले योगगुरु रामदेव बाबा चिंकी उठे सांबादिकों को धमक दे कहिले एभली कथा। टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार, अच्छे भी कहा कुछ, आप ही ने कहा था सरकार बनाई बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी, मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि जहाकुने एपे पुणि थरे विवाद घेरकु आसी जाइछंती बाबा रामदेव 2014 रे बाबा रामदेव देइथिबा बयान कुने पुणि थरे फसी जाइछंती 35 टंका रे पेट्रोल मिलिबा कुने बाबा देइथिबा बयान कुने सर्वदा विवाद रे रहंती विभिन्न मेम रे बाबांक बयान को व्यवहार करा जाउथिबा बले एहा कुने सर्वदा प्रश्न मध्य करा जाइथाय परिस्थिति एमिति होइछि कि समान बयान कुने जने रिपोर्टर को धमक मध्य देइछंती बाबा रामदेव वर्तमान देशरे तेल एवं गैस दर होई बढ़ी चली आउ ये प्रसंगरे रिपोर्टर को प्रश्न को प्रथमे रामदेव अत्यंत हालुका भावरे ग्रहण करथिले तेबे रिपोर्टर जनक बारंबार तंकु सही प्रश्न पचारिबारु बाबा रामदेव उत्त्यक्त होई पड़िले आ कहिले मु तुमरो सब प्रश्नर उत्तर देबाकु ठिका नहीं मु 2014 रे एक मंतव्य देइथिली तो वर्तमान देउ नहीं तो कौन करिबो तुमे बोली पालोटा प्रश्न करिथिले बाबा रामदेव आउ एहा परे मध्य रिपोर्टर जनक प्रश्न करिबारु बाबा रामदेव कहिथिले कि एहा तुम पई ठीक हेबो नहीं आउ ए वीडियो को जने निजो ट्विटर अकाउंट रे शेयर करिबा परे एबे एहा बेस वायरल हेबाकु लागिछि उल्लेखयोग्य जे कांग्रेस क्षमतारु हटिले 35 टंकारे पेट्रोल मिलिबो बोली 2014 रे बयान देइथिले बाबा रामदेव ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा भास्कर।